किया था, उसमें हम लोगों ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं जो बार मॉल रेस्टोरेंट इनको पालन करना है। नंबर वन, सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं देना है, अगर उसके कारण अराजकता हुई तो उनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नंबर वन तो ये है। नंबर टू, साउंड का जो है बड़ा स्ट्रिक्ट नियम होता है कि 10 से 6 जो है नहीं बजना चाहिए, साउंड बाहर नहीं जाना चाहिए, तो रात में जो है साउंड का जो कंप्लायंस होना है वो करेंगे। अगर हमारे पास लोग मान लीजिए कि आप तो न्यू ईयर मना रहे हैं तो साउंड बजा रहे हैं, पड़ोसी अगर हमें 10 बजे के बाद फोन कर दिया हम आके बंद कराएंगे उसको। साउंड में है कि आप अपने कंफर्ट लेवल अपने जो कैंपस है उसके अंदर बजाएं, किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो। तो दूसरा गाइडेंस हम लोगों का जो है वो साउंड से संबंधित था। कल फिर हम लोगों ने बैठक लेकर के तीसरी चीज जो बताई है वो ट्रैफिक से संबंधित, पार्किंग से संबंधित, कि जो भी आयोजन हो रहा है अपना उनकी जिम्मेदारी है कि पार्किंग व्यवस्था भी ठीक रखेंगे। और जैसे पलासियो मॉल, लुलू मॉल, इन सब के बाहर अगर पार्किंग बाहर सड़कों पे ही लोग कर रहे हैं, होता क्या है पब्लिक की टेंडेंसी है कि अंदर जो है वो पार्किंग चार्जेस 50 रुपए बचाने के चक्कर में बाहर खड़े करते हैं। तो इस बार हम लोग इंश्योर करेंगे कि अगर आप 50 रुपए बचाने के चक्कर में गए तो आपको 1100 देने पड़े। तो ये हम लोग का रहेगा कि जहां पर भी बाहर सड़क पे पार्किंग मिली हमें बेतरतीब और अंदर पार्किंग खाली है तो हम टोकर के ले जाएंगे उसको और 1100 का भुगतान देना पड़ेगा। तो लोगों से आग्रह है कि अंदर की पार्किंग अगर खाली है मॉल के अंदर और जहां भी जिस बिल्डिंग में जा रहे तो काइंडली उसको यूज करिए, अनावश्यक सड़क पे क्यों जमा करना। तो आप सड़क पे बेतरतीब पार्किंग ना हो और वॉलंटियर्स लगाएं, उनके जो भी आयोजक हैं उनको भी बोला जा रहा है कि आप वॉलंटियर्स लगाएं। तो ये पार्किंग से संबंधित है। प्लस चौथा जो है ड्रिंक एंड ड्राइविंग के खिलाफ अभियान 5 दिन का चल रहा है, कंटिन्यूस चलेगा, अलग अलग टाइम पे देर रात में जांच करेंगे। इसके लिए हम लोग बैरिकेडिंग के लिए मैंने कहा अभी तो हमने नंबर इसमें जो डाला 100 स्थान रखा है, पर हमने कहा कि और इम्पोर्टेंट जगह जो है जहां पर रात में हुड़दंग हो सकता है या स्पीड जो स्टंटबाजी हो सकती है उन पे बैरिकेडिंग रहे, प्लस इम्पोर्टेंट आयोजन जहां काफी भीड़ होती है उसके आसपास भी बैरिकेडिंग रहे ताकि आने जाने के टाइम पर हम चेकिंग करें। तो हमारा जो मूल इसका मंत्र बोले तो सड़कों पर हर चीज पुलिस कंट्रोल करेगी, अंदर जो कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं, ना हमें मोरल पुलिसिंग करनी है कि अंदर आप क्या कर रहे हैं हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन सड़क पर अगर किसी ने हुड़दंग किया, ट्रैफिक की व्यवस्था खराब की, स्टंटबाजी की, तो हम इंश्योर करेंगे कि उनका नया साल जो है वो हालात में। टाइमिंग क्या रहेगी सर पार्टी के लास्ट टाइम? टाइमिंग का देखिए अलग अलग नियम है, आपका बार का जो है वो बार का नियम से आप बंधे हैं कि आप जो है लीकर कब तक सर्व करेंगे, तो बार के नियमों के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। साउंड का कितने बजे तक बजाएंगे तो उसका 10 बजे तक का नियम होता है, उसको आपको देखना पड़ेगा। बाकी क्लोज कैंपस में आप लोग रात भर बैठ करके गप्पे मारते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ तो रोड पे वो पेडेस्ट्रियल जोन है, रोड पे कोई इश्यू नहीं है, वो अपना कंटिन्यूस रात भर चले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक है उसको हम रोड से भगा नहीं सकते, बोल नहीं सकते ना। 100 पॉइंट्स बनाए गए हैं, ये कैसे ब्रेथ एनालाइजिंग भी होगी? हाँ ये ड्रिंक एंड ड्राइविंग वाले में तो 100 करीब उसमें हाँ है हमारे पास ब्रेथ एनालाइजर का डाटा मैं देता हूँ आपको ना। सर कई मॉल ऐसे हैं जहाँ पर लोग पार्टी करने जाते हैं लेकिन वहाँ पर ना तो पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ पे गाड़ियाँ सड़कों पे आती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ आता है? भैया वो 1100 रुपया दे और क्या है, अगर पार्किंग मॉल तो उन मॉल वाले को बोला गया अपना व्यवस्था करें, अगल बगल का हायर करें, कहीं बगल का ग्राउंड है तो हायर करें, वो करवाएं जब भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं तो, नहीं तो फिर हमें तो अगर सड़क पे बेहतर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।